हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं नीतीश पांडे आप सबको आइडियल डिफेंस एकेडमी में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं कि इंडियन आर्मी में आप कितने तरीके से भर्ती हो सकते हैं, साथ में एजुकेशन क्राइटेरिया क्या है और एज लिमिट क्या है। आज पूरी डिटेल में जानकारी आपको मिलने वाली है, तो आप हमारे वीडियो के आखिरी तक बने रहें। जैसा कि आप जानते हैं कि पूरे भारतवर्ष में लाखों युवाओं इंडियन आर्मी के सपने रखते हैं, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जिनकी सपने साकार हो पाते हैं। इसका मेन रीजन ये है कि उनको सही दिशा निर्देश और गाइडेंस लाइन नहीं मिल पाती है। तो अगर आपको भी जानना है कि इंडियन आर्मी की तैयारी कैसे किया जाए और किन तरीकों से किया जाए, तो इसका भी वीडियो हमारे यूट्यूब पे पड़ा हुआ है। आप हमारे प्ले बटन पे जाके वहां से सारी वीडियो को देख सकते हैं। तो अब आइए मैं बता दूं कि इंडियन आर्मी में आप तीन तरीके से जा सकते हैं। पहला तरीका जो है, जैसा कि आप जानते हैं, पूरे भारत में ओपन रैली प्रत्येक साल हर एआरओ में निकलती है, तो आप ओपन रैली के थ्रू भी इंडियन आर्मी में जा सकते हैं। और दूसरा जो तरीका है वो होता है एनडीए, नेशनल डिफेंस एकेडमी। और तीसरा तरीका जो होता है वो होता है सीडीएस, कंबाइंड डिफेंस सर्विस। तो तीन तरीके से आप इंडियन आर्मी में आपकी सिलेक्शन हो सकती है। अब मैं बता दूं कि ये तीनों तरीकों में एजुकेशन क्राइटेरिया और एज लिमिट क्या निर्धारित की गई है। तो सबसे पहले हम ओपन रैली की बात करें, तो ओपन रैली में आप सोल्जर जीडी के लिए जाते हैं, तो जिसमें उम्र सीमा आपके 17.5 साल से 21 साल निर्धारित की गई है। और एजुकेशन क्राइटेरिया, इसमें आपका ओनली मैट्रिक चाहिए, जिसमें कि प्रत्येक सब्जेक्ट में आपका इच सब्जेक्ट 33% एंड एग्रीगेट मार्क आपका ओवरऑल जो है 45% होना चाहिए। उसके बाद इसी में आपका आता है 12th लेवल। 12th लेवल में आप सोल्जर टेक्निकल, सोल्जर क्लर्क, सोल्जर नर्सिंग, इन सब में आपकी भर्ती हो सकती है। अब इसकी मैं एज लिमिट की बात करूं, तो इसमें जो एज लिमिट है वो 17.5 साल से 23 साल के लिए निर्धारित किया गया है। अब मैं आता हूं एनडीए में, दूसरे तरीके में। तो दूसरे तरीके से जब आपकी एनडीए के थ्रू भर्ती होती है, तो इसमें जो एज लिमिट निर्धारित रखी गई है वो 16.5 साल से लेकर 19.5 साल, और इसमें एजुकेशन क्राइटेरिया जो है वो 12th लेवल, जिसमें कि पीसीएम होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। और तीसरा जो होता है सीडीएस, कंबाइंड डिफेंस सर्विस, जिसमें कि उम्र सीमा जो निर्धारित की गई है वो 21 साल से 26 साल के लिए। और अगर मैं एजुकेशन की बात करूं, जिसमें कि आपका ग्रेजुएशन चाहिए, एनी कैटेगरी से आप हैं, आपकी कोई भी ऑनर्स पेपर है, कोई दिक्कत नहीं, साइंस आर्ट्स कॉमर्स, इसमें कहीं कोई बाउंडेशन नहीं है। तो ये आप तीन तरीके से इंडियन आर्मी में आपकी सिलेक्शन हो सकती है। और सभी के लिए जो उम्र सीमा है वो भी मैंने आपको बताया, एजुकेशन क्राइटेरिया क्या है वो भी मैंने आपको बताया। अब बात रही कि इतने अगर आपके पास है तो क्या आपकी भर्ती हो जाएगी, जी नहीं। ये तो एक माध्यम है कि आपके पास ये क्वालिफिकेशन और एज है तो आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, लेकिन इसमें आपकी सिलेक्शन होने के लिए आपको जितने फिजिकल पे आपको ध्यान देना पड़ेगा, उतना ही आपको रिटेन पर ध्यान देना पड़ेगा। तो फिजिकल और रिटेन दोनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, तभी आप इंडियन आर्मी के सपने को साकार बना पाएंगे। क्योंकि इंडियन आर्मी की जॉब है, उस जॉब की जब बात होती है तो लोग पैसे के लिए नहीं जाना जाता है, पोस्ट के लिए जाना जाता है। और इंडियन आर्मी अपने आप में बहुत बड़ी गर्व की चीज़ है, क्योंकि मात्र एक ऐसी जॉब है जिसमें कि देश को सेवा करने का मौका मिलता है, ठीक है। और जितनी जॉब है उससे तो लोग पैसा कमाते हैं, लेकिन इंडियन आर्मी एक ऐसा जॉब है जिससे देश को सेवा करने का मौका मिलता है। और कहा जाता है ना कि जिंदगी की तमाम खुशियां कुर्बान करनी पड़ती है इस फौज की वर्दी पाने के लिए, वही बात है। इसलिए आप पूरे लगन से और दिल लगा के मेहनत करें, डेफिनेटली आप अपने सपने को साकार करेंगे। और अगर आपको अपनी तैयारी करने में कोई दिक्कत हो रही है तो आप किसी डिफेंस एकेडमी की सहारा भी ले सकते हैं, और दोस्तों के साथ रनिंग करें, बेहतरीन परफॉर्मेंस रही तो जरूर आपका सपना साकार होगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो लाइक कमेंट करें, साथ में दोस्तों के साथ शेयर भी करें। और हमारे चैनल पर न्यू है तो रेड कलर के सब्सक्राइब बटन दबा के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ऐसे ही वीडियो हमेशा पाने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें।